So hey guys, and welcome back to your channel, that is Dazzle and Nin. So in today's video, I'm going to show you what is in my bag as a 10th grader. So as you know कि मैं अभी 10th में आ चुकी हूँ, so मैंने सोचा कि क्यों ना हम starting अपने bag से ही करते हैं and पूरे 10th के session में मैं आपको अपनी हर एक चीज़ share करूँगी जो आप चाहेंगे. So first of all, let's start with our bag and यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा bag है. इट्स वेरी सिंपल, मैंने अपनी की चेन से. सो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये है मेरे पास एक अवेंजर का की चेन जो कि ऐसे घूमता है. एंड सेकेंड की चेन है वो कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, पता नहीं मैंने ऐसे ही ये टांग रखा है एंड नथिंग स्पेशल इन दिस. सो ये ऐसे ही की चेन है, बस थोड़ा बैग को अच्छा लुक देने के लिए. अगर आप सोच रहे होंगे कि ये जो वीडियो है वो सिर्फ 10th ग्रेडर के लिए है, तो ऐसा नहीं है. ये कोई भी 9th ग्रेडर, 8th ग्रेडर, मतलब कोई से भी ग्रेड के बच्चे या कोई से भी ग्रेड के पीपल यूज़ कर सकते हैं इस सबको. एंड आई होप आपको ये पसंद आए. सो लेट्स स्टार्ट विथ हेयर. सो ये है मेरी सबसे छोटी चेन, नहीं उससे छोटी चेन की आती है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी जो बहुत सारी चेन्स हैं. टोटल मैं बता दूँ कितनी चेन्स हैं. 6 चेन्स हैं टोटल इस बैग में एंड उसके अंदर भी हैं कुछ. तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लिखा है यहाँ न्यूरूल्स ऑयलमेंट्स, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है. आई डोंट नो व्हाट इज दिस. सो कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है एंड यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. तो मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक एंड बहुत ही यू नो एक्सपेंसिव चीज़ें कैरी नहीं करते अपने साथ, क्योंकि फिर डर होता रहता है कि हमारा कोई भी जो मटेरियल है वो कहीं रह ना जाए या फिर अगर कोई किसी ने ले लिया तो फिर मैं ये सब चीज़ें कैरी नहीं करती, ओनली सिंपल एंड सोबर. सो फर्स्ट इसमें है मेरे कुछ पैसे, यहाँ पे थोड़े से ही रुपीज़ रखती हूँ मैं, क्योंकि फिर वही डर रहता है कि अगर खो गए तो फिर थोड़ा सा लॉस होगा. लेकिन फिर भी आई हैव हियर 60 रुपीज़ है मेरे पास यहाँ. वैसे तो मेरे पास थोड़ा ज़्यादा रहता है कैंटीन से. जब भी हमें कभी भूख लग जाती है टिफ़िन या फिर हम नहीं लाते हैं, वैसे तो मैं रोज़ लेके जाती हूँ, लेकिन कभी कभार यू नो टिफ़िन के बाद भी हमें भूख लग जाती है तो हम कैंटीन से ये थोड़ा सा चाउमीन, समोसा, कोल्ड ड्रिंक परचेज कर लेते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम इस वाले चेन में. सो इस वाली चेन में मेरे पास काफ़ी सारा सामान है जो आप लोग भी कैरी कर सकते हो ना, आप लोग के भी काफ़ी काम आएगा. वैसे नॉर्मल ये जो थिंग्स हैं ये आपके भी घर पे होंगे. सो सबसे पहले है मेरा ये मास्क. ये मैं यहाँ से स्कूल से जब मैं वापस आती हूँ अपने घर की तरफ, जब स्कूल ओवर हो जाता है तब मैं लगा के आती हूँ कि तब धूप बहुत तेज़ हो जाती है एंड सन टैनिंग को बचाने के लिए आपका ये मास्क काफ़ी अच्छा है. एंड मैं ऐसे कोचिंग में भी यूज़ करके जाती हूँ, वो मैं आपको अभी आगे रूटीन में दिखाऊंगी कि कैसे मैं अपने कोचिंग साथ में क्या अटेंड करती हूँ. सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना. सो फर्स्ट है ये मेरा सर्जिकल मास्क एंड देन आई हैव दिस सैनिटाइज़र जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है एंड मैं इसे मुँह मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ, थोड़ा सा ही रह गया इसमें. तो जब भी मैं कुछ खाना होता है मेरे को तो उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ. एंड देन नेक्स्ट है मेरे पास लिप बाम. लिप बाम तो काफ़ी ज़रूरत होती है कि जब मेरे जो लिप्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए लिप बाम है. ये ब्लू है मिलता है एंड ये नेचुरल फ्रूट 100% ऑर्गेनिक है, मतलब इट्स लाइक अ फ्रूट बॉटल. सो ये कुछ ऐसा है. एंड सेकेंड है मेरे पास ये कलर्ड वाली जो हल्का सा कलर देता है. सो दीज टू आर माई लिप बाम्स. एंड नेक्स्ट आई हैव दिस पॉकेट परफ्यूम जिसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बहुत कभी कभार यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी मम्मा मना करती है. नेक्स्ट आई हैव दिस एक्स्ट्रा हेयर बैंड जो हम स्कूल में हेयर बैंड लगा के जाते हैं, यहाँ पे स्कूल की तरफ से जो मिला होता है वो ये वाला है. ये है हेयर बैंड, तो एक्स्ट्रा रखती हूँ मैं बाई चांस अगर गंदा हो गया या फिर मैं कभी कभार लगाना भूल जाती हूँ, तो अगर मैं नहीं लगा पाई तो मेरे पास ही रहेगा एक्स्ट्रा मेरे पास. दैट्स ऑल इन दिस पॉकेट. यही पॉकेट, तो इसी पॉकेट में मेरा ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं जो कि हमें नेसेसरी होती है, जिसमें हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है हमारे स्कूल में. चेन यहाँ पे भी एक चेन है इस वाली में, ये इसके ऊपर. सो इसमें मैं कुछ नहीं रखती, बस अपनी पॉकेट डिक्शनरी रखती हूँ. वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड के पास है अभी, छोटी सी स्मॉल डिक्शनरी है रेड एंड ब्लैक कलर की, तो वो अभी मेरे फ्रेंड के पास. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चेन वी हैव हियर इज दिस माय लिटिल बॉडी. आई लाइक दिस पाउच वेरी मच एंड ये पाउच ऐसा है जिसमें आप अपनी नेसेसरी थिंग्स रख सकते हैं, जैसे मैंने शो यू यहाँ पीछे है. छोटा मोटा सामान ये ज़्यादा मैं नहीं रखती, ना ही ज़्यादा मैं कैरी करती हूँ. सो फर्स्ट है मेरे पास ये कियो कापिन का हैंड वॉश, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. जैसे मैं कभी कभार जैसे हम गेम्स खेल के आते हैं एंड नेक्स्ट पीरियड ही हमारा इंटरवल होता है. एंड नेक्स्ट थिंग है टेप.
ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी, बट ये ऐसी छोटी मोटी स्टेशनरी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने पास रखनी चाहिए एंड हमारे पास होनी भी चाहिए। तो ये है हमारा सेलोटेप छोटा सा, एंड देन आई हैव ये भी ज़रूरी होता है। एंड नेक्स्ट थिंग आई हैव हियर इज सम एक्स्ट्रा मटेरियल, जैसे ये पिन हो गए हमारे बालों में लगाने के लिए, एंड एंड कंपास तो वैसे मेरे पास एक पहले से है लेकिन फिर भी मैं रख लेती हूँ अगर किसी और को ज़रूरत पड़ गई। एंड कंपास तो मैथ्स में हमारा काफ़ी काम आता है ज्योमेट्री में। एंड लास्ट पिन्स, सेफ्टी पिन्स, क्योंकि सेफ्टी पिन इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं हमारा जो सूट है तो उसमें जब हम यहाँ पर दुपट्टा टाई करते हैं तो उन लोगों के लिए सेफ्टी पिन ज़रूरत होती है। वैसे तो मैं अपने साथ लगा के जाती हूँ लेकिन फिर भी कभी कभार किसी और को ज़रूरत पड़ गई या फिर कभी मुझे ही ज़रूरत पड़ गई तो ये सेफ्टी पिन काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। वैसे आप पता ना आपके अगर आप 10th ग्रेड में हो तो आप क्या सूट चलता है या फिर नॉर्मल फ्रॉक या कैसी ड्रेस चलती है कमेंट में बताना। सो नेक्स्ट जो थिंग है वो मेरे इस वाले पाउच में वो है ये फेविकम, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन फिर भी मैंने ये रख लिया है, ये काम आता है। यू नो कभी कभार हमारा जो कॉपी के पेजेस हैं वो फट जाते हैं या फिर कहीं से कुछ भी टेयर हो जाता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने में रखती हूँ। आई नो ये सब चीज़ें मुझे नहीं रखनी चाहिए जिससे मेरा बैग भारी हो जाए लेकिन फिर भी यू नो इन मोमेंट पे आपका काम यही सब चीज़ें आने वाली हैं। तो गाइस दैट्स ऑल इन दिस वन, इन दिस चेन, एंड इस चेन में मैं अपना टिफिन बॉक्स भी रखती हूँ, जो टिफिन रखती हूँ मैं इसी चेन में रखती हूँ। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट चेन और नेक्स्ट सेक्शन। सो यहाँ पे है मेरी सारी बुक्स एंड कॉपीज, ये सारी डायरीज एंड ऑल दैट। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा जो कि मेरा स्टडी रूटीन आएगा तो उसमें मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगी कि कैसे मैं अपने नोट्स बनाती हूँ, कैसे मैं प्रिपरेशन करूँगी अपने मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि हमारा जो 10th का जो फर्स्ट यूनिट है जो कि अभी चल रहा है और दूसरे बच्चों का तो वो कैंसिल हो चुका है। तो आगे आने वाली वीडियोज़ है उसके लिए स्टे ट्यून रहना एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईयर। तो इस चेन में तो मेरा ये सब हो गया, मेरी बुक्स हैं, मेरा बॉक्स है, तो मैं अपना बॉक्स दिखाती हूँ आपको। जो गाइस ये है मेरा सिंपल सा बॉक्स ब्लैक कलर का, एंड ये जो बॉक्स है मेरा बिल्कुल फेवरेट बॉक्स है क्योंकि मैं यहीं से भी इसमें होल नहीं हुआ है। एंड ये जो बॉक्स है बहुत ही अफोर्डेबल बॉक्स है, पाउच है, तो इसमें मैंने अपने सारे पेंस एंड ये रखे हैं। तो मैं आपको एक एक करके सब दिखाती हूँ कि मैं क्या रखती हूँ उसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव दीज टू हाइलाइटर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं आपके नोट्स मार्क करने में बुक्स में। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको अलग से नोट्स लिखना पड़े किसी भी सब्जेक्ट का तो आप इस इन टू हाइलाइटर से मार्क कर सकते हो। फिर जो है मेरे पास ये पेन्स हैं जिसमें रिफिल नहीं है, बीस पेन्स ब्लू एंड ब्लैक। गाइस एक्स्ट्रा पेन्स होना आपके पास पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे पास लेड पेंसिल, एंड लेड पेंसिल ही मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे को नॉर्मल जो वुडन पेंसिल होती है, नॉर्मल जो पेंसिल होती है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैकेनिकल पेंसिल इज बेस्ट देन वुडन पेंसिल। ये है एक और वॉल ब्लैक पेन, एंड ये मैकेनिकल पेंसिल्स की रिफिल्स जिसमें लेड है एक्स्ट्रा। एंड ये है मेरी क्लासमेट की इरेजर। देन आई हैव दिस एक्स्ट्रा कंपास। गाइस यही सब कुछ था मेरे इस प्यारे से छोटे से ब्लैक पाउच में। गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चेन। नेक्स्ट चेन में इतना कुछ खास नहीं है मेरे पास, ओनली मेरे पास ये सिर्फ कुछ वर्कशीट्स के पेपर एंड कुछ टेस्ट पेपर है जो कि मैं एक साथ सबको इकट्ठा करके रखती हूँ। एंड ये है, तो ये है मेरे कोचिंग से मिले गए मेरे को सारे वर्कशीट्स एंड फिजिक्स की वर्कशीट है ये। सो यहाँ पे फिजिक्स के नोट्स हैं एंड ये मैथ की वर्कशीट है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हैं। सो ऐसे हमें हर हफ्ते हमें रोज़ वर्कशीट मिलती हैं जो भी चैप्टर होता हुआ जाता है हमारे साथ साथ। सो ये वर्कशीट्स हैं एंड ये हैं मेरे पास बहुत सारे टेस्ट पेपर्स, केमिस्ट्री, आई हैव केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। सो ये सारे मेरे पास टेस्ट पेपर हैं जिसे मैं एक साथ इकट्ठा करके रखती हूँ क्योंकि जब काम आए तो ये मेरे पास रहें। या गाइस दैट्स ऑल इन दिस बैग। सो यही मेरे पास सारा सामान है जो कि एक हमें एक नॉर्मल से स्कूल बैग में रखना चाहिए, ना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ना ही ज़्यादा एस्थेटिक टाइप एंड ऑल दैट। सो मैं यही सिंपल चीज़ें रखती हूँ अपने बैग में एंड यही आप सभी को रखनी चाहिए। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर यू हैव टू लाइक दिस वीडियो। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, सो मेक श्योर यू हैव टू सब्सक्राइब इट ऑल्सो एंड आई मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।